मध्य प्रदेश का सबसे खूबसूरत शहर जबलपुर। जबलपुर तो वैसे सब चीज़ के मामले में नंबर वन है, चाहे रहना हो, चाहे खाना हो, चाहे घूमना हो या फिर माता जी के दर्शन करने हो। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और नवरात्रि में जबलपुर में अलग अलग झांकियां और सुंदर सुंदर प्रतिमा बनाई जाती हैं। वहीं दोस्तों मरल महल पर, मरल महल में एक ऐसी प्रतिमा रखने जा रही है जो कि पूरे जबलपुर की भीड़ को इकट्ठा करने का सम्मत रखती है। जी हाँ दोस्तों, मरल महल में रखी जाएगी 108 मुख वाली प्रतिमा जो 201 हाथ होंगे। अभी ये प्रतिमा बन रही है, तो आइए दोस्तों आपको हमें थोड़ा इसका विजुअल दिखाते हैं, वो प्रतिमा कैसे बनाई जा रही है। दोस्तों जो ये प्रतिमा बन रही है 17 से 18 फीट की प्रतिमा है, और जो आप देखेंगे कि जो प्रतिमा बनाई जाती है उसके पीछे का जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है पूरा लकड़ी का तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों जो 108 मुख वाली प्रतिमा तैयार की जा रही है और 201 हाथ वाली प्रतिमा तैयार की जा रही है उसमें लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया। उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है पूरा लोहे का बनाया गया। लोहे के स्ट्रक्चर में माता रानी के सेट को तैयार किया गया, बिल्कुल बनाया गया है, और आप खुद देख सकते हैं कि स्क्रीन में पूरे जो मतलब पीछे का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रतिमा का जो मुख है वो उसमें पूरा मतलब बड़े तरीके से कसा गया, जिससे कि क्या हो कि ले जाने में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। अब आप ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी प्रतिमा 17 से 18 फीट की जो प्रतिमा है और 201 हाथ हैं और 108 मुख हैं, इसको ले कैसे जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको ले जाने के लिए पूरे फोल्डिंग पैटर्न का जो फोल्डिंग पैटर्न होता है वो यूज किया जाएगा। इससे ये होता है जो प्रतिमा को ले जाएंगे ना ये टुकड़ों में लेके जाएंगे, अब वहाँ पर जाकर जहाँ पर रखना है वहाँ पर वो इंस्टॉलेशन कर देंगे। इससे क्या होगा कि प्रतिमा आपकी बिल्कुल व्यवस्थित रहेगी और कोई भी मूर्ति खंडित नहीं होगी। और क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी प्रतिमा को ले जाना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ी सी भी गलती होती है दोस्तों तो प्रतिमा खंडित हो जाएगी। तो जो मूर्तिकार है उसने पूरी प्रतिमा को बहुत ही ऐसे पैटर्न में बनाया गया है कि जिससे कि बड़ी आसानी से ले जा सकें। और भी जो अपडेट आएगी वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह के यूनिक कंटेंट बनाते रहते हैं। जय श्री राम।